तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे हाथ में एक मोबाइल है, LY ऐप का 4505 इसका मॉडल नंबर है। और इस मोबाइल के अंदर में जो प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं बता दूँ इस मोबाइल के अंदर में प्रॉब्लम है IMI का। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डिवाइस आइडेंटिफायर IMI इनवैलिड लिख रहा है। तो इसका IMI अगर आप मान के चलिए रिपेयर करते हैं मेडिकल बॉक्स से या UMD डोंगल से, तो IMI रिपेयर हो जाता है, सक्सेसफुली दिखा देता है IMI रिपेयर हो चुका है। लेकिन जब दोबारा फिर आप मोबाइल को जब *6 डायल करके जब आप देखते हैं, तो उसमें फिर आपको IMI जो है इनवैलिड ही दिखाता है, IMI रिपेयर आपका नहीं होता है। दूसरी बात, इस वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों कि IMI रिपेयर करने के लिए आपको जो है अब फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना रूट के ही आप IMI डायरेक्टली जो है रिपेयर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि IMI रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ USB डिबगिंग इनेबल करना है, OEM अनलॉकिंग इनेबल अब नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अगर आप जानते हैं कैसे IMI रिपेयर होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल का जो हम IMI यहाँ पे रिपेयर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने इसका डायक कोड जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ से हम IMI नंबर कॉपी करके यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपको बताने वाला हूँ कि आखिर IMI रिपेयर क्यों नहीं होता है, UMT डोंगल से या मेडिकल बॉक्स से क्यों नहीं होता IMI रिपेयर, यहाँ सक्सेसफुली दिखा देता है और IMI हमारे मोबाइल पर शो नहीं करता, इसका क्या कारण है। तो इस सारी की सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो IMI कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम स्टार्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद देखते हैं आप यहाँ पे कि कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाता है कि हमारा IMI रिपेयर सक्सेसफुली हो चुका है। और मान के चलिए UMD डोंगल से अगर हम करते हैं, उसमें भी इसी तरह का दिखाता है और IMI रिपेयर सक्सेस दिखाता है। जब हम मोबाइल पर जब दोबारा देखते हैं तो यहाँ पर IMI जो है यहाँ पे शो नहीं करता, और उसके बाद यहाँ पे फिर से उसी तरह से लिखता है यहाँ पे डिवाइस आइडेंटिफायर IMI इनवैलिड। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके साथ होने लगे, अगर IMI रिपेयर ना हो, आप अगर रूट कर देते हैं फ़ोन को, रूट करने के बाद भी अगर IMI रिपेयर ना हो, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। चाहे आपके पास UMT डोंगल हो, चाहे आपके पास मेडिकल बॉक्स हो, आप दोनों से ही IMI रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो UMT डोंगल के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि UMT डोंगल में कैसे IMI रिपेयर करना है, लेकिन अगर आपका UMT डोंगल में IMI रिपेयर होने में इस तरह से प्रॉब्लम आता है, अगर आपके डिस्प्ले पर शो नहीं करता IMI, तो आप मोबाइल को फ्लैश कर दें। और फ्लैश करने का तरीका पहले आप जान लें यहाँ इस वीडियो में, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप फ्लैश करेंगे मोबाइल को, तो आप UMT डोंगल से भी IMI रिपेयर कर सकते हैं और आप जो है मेडिकल बॉक्स से भी IMI रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये फाइल जो आप देख रहे हैं, ये फाइल आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में आपको ये फाइल सिलेक्ट करना है और उसके बाद वहाँ ऊपर में आप देखेंगे ऑटो को, जो ऑटो का ऑप्शन हमने हटाया तो ये ऑप्शन आया, तो उस फाइल को हमने सिलेक्ट किया। उसमें मोबाइल का जो IC नंबर होता है 8909 उस फाइल में लिखा होता है, वो फाइल आपको हर हाल में सिलेक्ट करना है। दूसरे नंबर में आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है और तीसरे नंबर में आपको यहाँ पे फैच फाइल सिलेक्ट करना है 0 वाला, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला फाइल आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको सिलेक्ट करना है, और ये तीनों फाइल से आपको कम्प्लीटली फ्लैश करना है मोबाइल को, और कम्प्लीटली मोबाइल को फ्लैश होने के लिए देना है। बीच में अगर आपका फ्लैशिंग नहीं होता है, रुक जाता है, फिर से आपको ट्राई करना है और तीनों फाइल से आपको फ्लैश करना है। अब मोबाइल को फ्लैश करने के बाद, उसके बाद आप मोबाइल को हार्ड रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। जब मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा तो आप उसे हार्ड रिसेट कर सकते हैं। और मान के चलिए अगर मोबाइल अगर लोगों पर अटक रहा है, अगर कम्प्लीट ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसे वॉल्यूम प्लस और पावर की से उसका जो रिकवरी मोड ला करके उस मोबाइल को आप हार्ड रिसेट कर सकते हैं। और एक बार हार्ड रिसेट कर देंगे मोबाइल को, तो मोबाइल कम्प्लीटली गारंटी जो है मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब वो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा तो फिर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल के आपको जो है वहाँ पे बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करना है, क्लिक करना है आपको। उसके बाद वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उस डेवलपर पे आपको जो है वहाँ पे OEM अनलॉकिंग आपको इनेबल नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें जो है USB डिबगिंग आपको इनेबल करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको डाटा केबल लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, जब तक ये मोबाइल फ्लैश हो रहा है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे कि कैसे हम IMI रिपेयर कर रहे हैं मेडिकल बॉक्स से या UMT डोंगल से, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं अभी फिलहाल मेडिकल बॉक्स से, और UMT डोंगल से मैंने पहले ही बता रखा है कि IMI कैसे रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन अगर IMI रिपेयर ना हो UMT डोंगल से, तो आप जो है फ्लैश कर सकते हैं मोबाइल को, जो तरीका मैंने यहाँ पर दिखाया इस तरीके से आप फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर IMI रिपेयर करने के लिए आपको मैं बता दूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं CDMA LG, ठीक है। इसी टूल पे आपको यहाँ पे IMI रिपेयर करना है, ठीक है। फ्लैश करने के बाद मोबाइल को आपको यहीं पे आपको IMI रिपेयर करना है। तो चलिए यहाँ पे डायक कोड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। डायक कोड सिलेक्ट करने के बाद आपको मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो IMI का
ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको IMEI टाइपिंग कर देना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप IMEI डाल देंगे, जो लिखा हुआ है मोबाइल के अंदर में IMEI, वही नंबर आपको यहाँ पे डायल कर देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब अभी यहाँ पे IMEI रिपेयर हो जाएगा सक्सेस, उसके बाद मैं आपको अभी मोबाइल आपको दिखाने वाला हूँ, जिस मोबाइल में हम IMEI राइड कर रहे हैं उस मोबाइल को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उस मोबाइल में IMEI राइड हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका 100% सक्सेसफुल तरीका है, इसमें आप कभी भी फेल नहीं होंगे, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप IMEI रिपेयर करते हैं तो आपका IMEI जो सक्सेसफुल रिपेयर हो जाएगा, और बिना किसी रूट के, आपको मोबाइल को रूट करने की जरूरत नहीं है, विदाउट रूट जो है आप इस मोबाइल का IMEI रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और जान लें कि उसमें जो क्वालकॉम CPU है, जो क्वालकॉम डिवाइस है, वो यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। जो यूनिवर्सल होगा उसको आप यहाँ से उसका IMEI रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, चाहे वो ओप्पो का हो, वीवो का हो, IMEI का हो, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, अगर वो यूनिवर्सल है, अगर क्वालकॉम डिवाइस अगर वो यूनिवर्सल में आता है, तो उसका IMEI आप यहाँ से जो है मोबाइल को फ्लैश करके बिना रूट के आप यहाँ से IMEI रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IMEI रिपेयर सक्सेसफुल लिख चुका है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं उस मोबाइल में, जिस मोबाइल में हमने IMEI राइट किया है, ठीक है। तो चलिए इस मोबाइल में हम देख लेते हैं, मोबाइल को थोड़ा सा ऑन होने देते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि इस मोबाइल का IMEI राइट हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।